अगर मैं आपसे कहूं धरती पर जल्द मचेगी तबाही, ये मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने कहा है। वैज्ञानिकों ने हैरान करने वाली चेतावनी दी है। चलिए आपको बताते हैं, देख रहे हैं आप अजब गजब। हाथ जोड़ के सबका स्वागत, नमस्कार। नाम है मेरा मेघा। वर्तमान समय में दुनिया के कई इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई इलाकों में गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। कई इलाकों में गर्मी से लोगों की मौत भी हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में जितनी गर्मी इस साल पड़ी है वो 120,000 साल बाद पड़ी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी कि अगर धरती ऐसे ही गर्म होती रही तो समुद्री धाराओं की एक अहम प्रणाली कुछ दशकों में खत्म हो सकती है और ये दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। इसके साथ ही धरती पर मौजूद हर आदमी पर इसका असर पड़ेगा। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट यानी AMOC, जिसका गल्फ स्ट्रीम में एक भाग है, सदी के मध्य में या फिर 2025 की शुरुआत में वो ध्वस्त हो सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट में छपा है। इस अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एक अहम प्रणाली है। इसके ढहने का सटीक बिंदु अनिश्चित है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि धाराओं के माप में बेहद कम परिवर्तन देखा गया है, लेकिन नया अध्ययन ये चिंतित करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि AMOC की धाराएं एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं। कन्वेयर बेल्ट वही जो आप एयरपोर्ट पर देखते होंगे, जिसमें आपका सामान बाहर निकलता है। ये उष्णकटिबंध से गर्म पानी को उत्तरी अटलांटिक की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पानी ठंडा होता है और खारा हो जाता है। दक्षिण की तरफ फैलने से पहले समुद्र की गहराई में ये डूब जाता है। जलवायु प्रणाली और दुनिया के मौसम पैटर्न को नियमित रखने के लिए इसकी अहम भूमिका होती है। अगर ये ध्वस्त हो गया तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया के मौसम पर पड़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई तटीय इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इन तटीय इलाकों में सर्दी का मौसम और भी ज्यादा भीषण होगा। मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चला जाएगा और बारिश का पैटर्न भी बिगड़ जाएगा। जलवायु संकट के बढ़ने की वजह से वैज्ञानिक सालों से इसकी अस्थिरता की चेतावनी पहले से देते आ रहे हैं। तापमान और खारेपन पर इन धाराओं की ताकत निर्भर करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से इनके लिए और खतरा होगा। महासागर के गर्म होने से बर्फ पिघलती है और फिर वो समुद्र में मिलती है, जिससे जल का घनत्व कम होता है। इससे वो डूबने में कम सक्षम हो जाता है। पानी जब बेहद ताजा, गर्म या फिर दोनों होता है तो ये कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसे रोकने के तरीकों पे काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे ये विनाश रुक सके। अजब गजब देख रहे थे आप, नमस्कार।